सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, पहले क्या होता था, जब भी आप खसरा नक्शा या B1 निकालते थे, जिस भी साइट से आप निकालते थे, वो चाहे फ्री हो या पैड हो, पैड तो आपको MP ऑनलाइन से, जो कि डिजिटल सिग्नेचर जहां से मिलता है, आप वहां से पैड करके ही ले पाते थे। लेकिन जहां जो फ्री साइट था, जैसे कि MP लैंड रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूं, MP लैंड रिकॉर्ड में आपको ओवरव्यू दिखाता हूं। मैं यहां पर सर्च कर लेता हूं MP लैंड रिकॉर्ड। देख सकते हैं मैंने सर्च किया, मैं इस साइट की बात कर रहा हूँ, जो कि ये फर्स्ट लिंक है, हम इस पर ओपन करेंगे। देख सकते हैं मैं इस साइट की बात कर रहा हूँ। पहले मैं इसे जैसे अपने क्षेत्र को खोल लेता हूँ, हम जबलपुर क्षेत्र से हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको एरर देखने को मिल रहा होगा। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ये एक MP लैंड रिकॉर्ड साइट में एक नया अपडेट आया है, जिसके द्वारा थोड़ी सी हमें परेशानी तो हो रही है, लेकिन कुछ भी उससे प्रॉब्लम नहीं है। कुछ पहले का इंटरफेस से अब अलग हो चुका है। तो हम उन सभी ऑप्शन को लाने के लिए यहाँ होम बटन पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करने के बाद देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस तरीके का विंडो खुल के आ जाएगा। आप यहां पर देख सकते थे, पहले ये सारी सुविधाएं जो है चलती रहती थी। यहां पर देख सकते हैं वर्तमान खसरा नक्शा वगैरह आपको देखने को मिल जाता था। अब यहां पर देख सकते हैं, यहां पर उस प्रकार का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इस कारण से लोगों को परेशानी हो रही थी कि खसरा नक्शा किस तरीके से निकालें या फिर B1 किस तरीके से निकालें। कई लोगों को तो खसरा नक्शा निकालना आ जाता था, लेकिन B1 नहीं निकाल पाते थे, क्योंकि B1 का ऑप्शन थोड़ा सा इसमें हटके है। तो मैं इसी का कंप्लीट ओवरव्यू देने वाला हूँ। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं इसे दोबारा से कंप्लीट आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ MP लैंड रिकॉर्ड। देख सकते हैं MP लैंड रिकॉर्ड करके मैंने सर्च किया, यहाँ पर फर्स्ट लिंक आ चुकी है, हम इस पर ओपन करेंगे। जो भी आपका जिला है या आप जिस भी क्षेत्र से हैं, उस अपने जिले को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम जबलपुर क्षेत्र से हैं तो उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। अब हम यहाँ पर होम बटन पर क्लिक करेंगे और खसरा नक्शा या B1 निकालने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं भू अभिलेख, मैं थोड़ा सा देख सकते हैं जूम कर देता हूँ, ये देख सकते हैं भू अभिलेख लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे। ये देख सकते हैं पहले जैसा ही कुछ इंटरफेस आ रहा है, हम इसे यस करेंगे। अब मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आगे इस तरीके का विंडो आ जाएगा। अगर आप मेरे में इंग्लिश आ रहा है, अगर आपके में हिंदी में आता है तो आपको टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर आप यहाँ से निकालेंगे, कहीं भी का निकालेंगे, मैं अभी आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, और यहाँ से हम खसरा नंबर भी चुन लेंगे तो देख सकते हैं यहाँ अभी इंग्लिश में है, तो हमारा खसरा और नक्शा भी जो है इंग्लिश में ही आएगा। तो मैं यहाँ पर आपको सैंपल दिखला देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज से प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ जो है इंग्लिश में आ रहा है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा खसरा भी आपको निकाल के दिखला देता हूँ, यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी इंग्लिश में ही आ रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप हिंदी में किस प्रकार से ला सकते हैं। तो हम यहाँ पर भू अभिलेख पर क्लिक करेंगे, यस के बटन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अभी इंग्लिश आ रहा है, हम इसे देख सकते हैं यहाँ पर लैंड डिटेल्स लिखा हुआ है, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दो दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर अगर हिंदी में चाहते हो तो हिंदी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ हिंदी में आ जाएगा। जो आप निकालोगे खसरा नक्शा भी, वो भी हिंदी में ही आएगा। तो अब हम अगर इंग्लिश में चाहते हो तो इंग्लिश के बटन पर क्लिक करेंगे, वैसे हमें हिंदी में ही निकालना है तो हम हिंदी के बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से हम अपने जिला को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, तो मैं जैसे कि यहाँ से अपने जिला को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद तहसील को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, और उसके बाद अपना जो गांव है उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद यहां अगर आप भूस्वामी
चिन्ह। अगर आप नाम से निकालना चाहते हैं खसरा नक्शा या V1 तो आप यहां से भूस्वामी पर क्लिक करेंगे, यहां से सारे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। आप तो आराम से चेक करके इसे यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहां पर खसरा संख्या से निकालना चाहते हैं तो यहां पर आप बीच वाले पे आप सेलेक्ट करेंगे और यहां पर आपके सारे खसरा आपके एरिया का जैसे कि यहां पर अमहटा है तो यहां पर सारे अमहटा में जितने भी जमीन होंगे वहां सभी का खसरा नंबर मिल जाएगा। और या फिर आप प्लाट संख्या के नंबर से निकालना चाहते हैं तो यहां पर देख सकते हैं, लेकिन प्लाट संख्या अभी फिलहाल पे चल नहीं रहा तो हम यहां पर सिर्फ खसरा नंबर से निकाल के आपको दिखला देते हैं। मैं सैंपल के तौर पे मैं यहां पर कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूं, आपका जो खसरा नंबर है वही आप सिलेक्ट करिएगा। और उसके बाद देख सकते हैं यहां पर प्लॉट संख्या भी आ गया है तो यहां पर पूरा ओपन नहीं हो रहा है। अब इसके बाद हम इस कैप्चर को यहां से फिल करेंगे, देख सकते हैं कैप्चर को यहां से फिल करने के बाद यहां विवरण देखे पे हम क्लिक करेंगे। देख सकते हैं यहां पहले जो है बहुत ही अच्छे से आता था, जो कि आपको नाम और खसरा नंबर सब कुछ देखने को मिलता था, लेकिन अब कुछ इस प्रकार से आपके सामने आता है तो आपको यहां पर टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। अब आपको यहां पर देख सकते हैं भूभाग विवरण, आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको जो है एक अच्छी बात यह है कि पहले ये आपको नंबर देखने को यहां पर नहीं मिलता था, वो आप जब खसरा नक्शा निकालते थे उसी पर आपको जो है भूभाग आईडी देखने को मिलता था। तो आप यहां पर आप डायरेक्ट पहले से ही देख सकते हैं। और उसके बाद सर्वेक्षण ब्लॉक क्रमांक, यहाँ पर प्लॉट क्रमांक, भूमि प्रकार, यहाँ पर शासकीय है या फिर लगान की है आप वो देख सकते हैं, वर्ष के लिए रिकॉर्ड देख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर क्षेत्रफल देख सकते हैं, कृषि यहाँ पर जो भी उस पर उपयोग करते हैं वो सब देखने को मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ से आप इन सभी पर भी क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं, सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके सा का है। अब आपको यहाँ पर अगर खसरा निकालना है तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको दिखलाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं खसरा देखने पे हम क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारे सामने देख सकते हैं खसरा इस तरीके से खुल के आ जाता है। तो आप इसी प्रकार से खसरा निकाल सकते हैं। अब मैं इसे कट कर देता हूँ और आपको नक्शा निकाल के दिखलाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे लास्ट में ये नक्शा देखें यहाँ लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं हमारे सामने जो है नक्शा, जो हमारा नक्शा है वो डाउनलोड होके आ जाएगा। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मेरा नेट काफ़ी स्लो हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ कॉर्नर पर जो है हमारा नक्शा डाउनलोड हो रहा है, हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे सामने नक्शा भी खुल के आ जाता है। तो आप यहां से सीधा इसे डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट बटन पर क्लिक करके आप इसे सेव कर सकते हैं या फिर अपना प्रिंटर सेलेक्ट करके इस प्रिंट बटन पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ और इसके बाद आपको अब मैं जो है खतौनी निकालना यानी कि B1 निकालना बतला देता हूं। जैसे कि आपके सामने कुछ इस तरीके का ही विंडो होगा, आप यहां पर देख सकते हैं भूखंड से संबंधित जानकारी, आप यहां पर खतौनी का ऑप्शन भी देख सकते हैं। हम इस खतौनी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं जो भी कुछ था इसके नाम पर सारा विवरण यहाँ पर एक ही पेज पे आ जाता है, देखने को मिल जाता है। जितना भी यहाँ पर नंबर होता है वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ इसे देख सकते हैं खातावार, खतौनी अथवा जमाबंदी देख सकते हैं। आप इसे भी प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे या डायरेक्ट ही कंट्रोल पी करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे यहाँ से सेव कर सकते हैं या फिर प्रिंटर सेलेक्ट करके आप इसे प्रिंट बटन पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मैं आपको इसे थोड़ा सा लगानी वाला निकाल के दिखला देता हूँ ताकि आपको कुछ थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पर जैसे कि 16 सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद इस कैप्चर को हम यहाँ पर फिल करेंगे। कैप्चर को फिल करने के बाद विवरण देखे पे हम क्लिक करेंगे, देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस तरीके का फिर से दोबारा से इंटरफेस आ चुका है। हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है सारी
भूभाग आईडी देखने को मिल जाएगा। ये देख सकते हैं निजी लिखा हुआ, मतलब ये लगान का है। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप कृषि क्षेत्रफल सब कुछ देखने को मिल जाएगा, सब कुछ उसी प्रकार से है। लेकिन अब आपको एक चीज खटक रही होगी कि यहाँ पर जो है भूस्वामी का नाम क्यों नहीं देखने को मिल रहा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं भूस्वामी विवरण, यहाँ पर देख सकते हैं राम सहाय, धन सिंह, बल शिवाली, प्रेम पुत्री शिवाली, बिन्ना बाई बेवा शिवाली, यहाँ पर देख सकते हैं निवासी ग्राम झिर्री, यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं भूमि का विवरण, सॉरी भूस्वामी का विवरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं भूमि प्रभार विवरण, आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ। यहाँ पर आपको बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, ब्रांच का IFSC कोड, संस्था, आप इस प्रकार से देख सकते हैं। भूमि के अन्य विवरण आप यहां से देख सकते हैं कि यहां पर क्या क्या बोया जाता है, आप यहां पर देख सकते हैं। खसरा की टिप्पणी भी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। इलाहाबाद बैंक शाखा पहरुआ के पक्ष में वादा किया गया है। यहां पर भू राजस्व मांग भी यहां पर देख सकते हैं। और देख सकते हैं इसके बाद खाते संख्या, कुल क्षेत्र, वन यस पंचायत, उपकर, यहाँ पर व्यवहार न्यायालय भी आप देख सकते हैं। जमानत का विवरण भी, या फिर आपके जमीन पर कोई केस वगैरह तो नहीं है, आप उसे भी यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा कंप्लीट वीडियो। अब थोड़ा सा हम खतौनी को भी इसी प्रकार से देख लेते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि उसमें तो ज़्यादा डिटेल नहीं था क्योंकि वो शासकीय था, ये निजी में आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है खसरा संख्या 8, 16, 20 जो है इसी के नाम से है। तो दोस्तों ये रहा कंप्लीट वीडियो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।